पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे, और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरे तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। नारायणपुर में चीजें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही वहां पे आदिवासियों को आदिवासियों से भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं है, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं है। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए, कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। हम लोगों ने उसके आदिवासियों के या बस्तर के जो संस्कृति है उसको संरक्षित करने का भी काम किया, वहाँ के लोगों के आय कैसे वृद्धि हो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने की, शिक्षा के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की। और यही कारण है कि बस्तर में अब अमन चैन लौट रहा है।